देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान बने हैं वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के रिजॉल्व को देखकर, और महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो बयान आया है अवामी जज्बात की जिस तरीके से उन्होंने तर्जमानी करी है और लोगों का जो रिस्पॉन्स उन्हें मिला है, भारतीय जनता पार्टी उसको देख के बौखला गई है और तिरंगे को लेके जो तमाशा वो कर रहे हैं, दे आर मेकिंग ए मॉकरी ऑफ दिस नेशनल फ्लैग। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू में उन लोगों के हक में जो रेप एक्यूज़र थे, जो क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने एक मासूम बच्ची का रेप किया था और कत्ल किया था, उसकी हिमायत में, उन लोगों की हिमायत में तिरंगा लेके वो जुलूस निकाल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। ये उन्होंने इसका आधार, इसका इज्जत इस झंडे की उन्होंने ये बना रखी है। दे आर कवरिंग ऑल देयर फॉल्ट्स। जो भी आदमी, जो भी शख्स यहाँ सच बात करेगा उसके खिलाफ झंडा उठा के उसको दबाना कि झंडे की आड़ में, इट इज़ नेवर एक्सेप्टेबल टू एनीबॉडी। एक बयान हकीकत को इनकार करना सियासी अंधापन है। गुपकार डिक्लेरेशन आज एक हकीकत के तौर पे सामने आ चुके। एक प्लेटफार्म, रियासत जम्मू कश्मीर के जैद सियासी कायदीन इकट्ठे हो गए, मुतहद हो गए, एक प्लेटफार्म वजूद में आया है। भारतीय जनता पार्टी इसके मुस्तकबल को समझता है और समझने के बाद ही जो फ्रस्ट्रेशन उनकी है, ये कभी नहीं उन्होंने सोचा होगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, सियासी कायदीन एक साथ हो जाएंगे अपने ज़ाती मफादात को, सियासी मफादात को अलग करके जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात, उनके एहसासात की खातिर एक साथ हो जुट जाएंगे। ये उनके वहम गुहान में नहीं था। आगे देखेंगे वो गुपकार डिक्लेरेशन और जो पीपल्स अलायंस बना है उसकी हैयत और उसकी ताकत का अंदाज़ा उन्हें आज भी है और इंशाल्लाह करीब वक्त में होगा।